राजधानी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में शादी के दौरान हार्श फायरिंग का मामला सामने आया है। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में शादी के दौरान फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक घटना गाजीपुर थाना इलाके के घड़ोली गाँव की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक 4 फरवरी को घड़ोली गाँव में निक्की नाम के युवक की शादी होनी थी, जिसकी बारात उत्तर प्रदेश के बड़ौत जिले में जानी थी। जिस समय बारात घड़ोली से जा रही थी, उसी समय दूल्हे के पिता सतपाल ने हवा में एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। अचानक चली गोली में मौके पे मौजूद लोग व बच्चे घबरा गए और अपने कान पर हाथ रख लिए और इधर उधर भागते नजर आए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। जिसके बाद पुलिस संज्ञान लेते हुए आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पता चला है कि सतपाल के पास पिस्तौल का लाइसेंस है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।